और यहां इलाहाबाद से रुख करेंगे हम खबर का। अपना नामांकन दाखिल किया अभय चौटाला ने और अब एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। चलिए लिए चलते। बहुजन नायक साहेब कांशीराम जी अमर रहे, अमर रहे। जननायक चौधरी देवीलाल, जननायक चौधरी देवीलाल। सभी कार्यकर्ता साथी जिनका आप सबको लंबे समय से इंतजार था, अभय सिंह जी चौटाला हम सब कार्यकर्ता साथियों को संबोधित करेंगे। उससे पहले जोरदार नारों में सहयोग करें। जननायक ताऊ देवीलाल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। इलेलो बसपा गठबंधन जिंदाबाद, इलेलो बसपा गठबंधन जिंदाबाद। भाई अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई अभय सिंह चौटाला आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हरियाणा के भावी सीएम भाई अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद। और अब ज्यादा समय ना लेते हुए आपके बीच उपस्थित हो रहे हैं चौधरी अभय सिंह जी चौटाला। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए चौधरी अभय सिंह जी चौटाला का। इधर आके बैठ जाओगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। आ जाओ इधर, आ जाओ, पीछे वो जगह खाली पड़ी है उसमें बैठ जाओ। मैं अपनी बात करने से पहले आप लोगों से पूछना चाहता हूं, बदलाव करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते? और अपनी सरकार भी बनाना चाहते हो कि नहीं बनाना चाहते? तो फिर जो नारे लगवा रहे थे तुम्हारे से, उस नारों के अंदर आपकी आवाज की कमी नहीं होनी चाहिए थी। फिर तो नारे आपके इतने बुलंद होने चाहिए थे कि कांग्रेस, भाजपा और कोई छोटे मोटे राजनीतिक दल जो है उनके लोग आपके नारों की आवाज को सुनकर के प्रभावित होते और सब मन बना लेते कि हमने अब की बार अपना एक एक वोट बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को दे करके सरकार बनानी है। मैं एक बारी फिर आपसे नारे लगवाऊंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि नारों की आपकी इतनी बुलंद आवाज हो कि पूरे जिले के अंदर इस बात की एक मैसेज जाए कि अगली सरकार बसपा की, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की और आज एक और नई पार्टी का गठबंधन आपके साथ हुआ है। गोपाल कांडा जो अलोपा का जो है, वो भी आज आपके साथ शामिल हो गया। तो पंचों की पंचों सीट मान के चलो कि आप जीत करके अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं, पर उससे पहले नारे सुनना चाहूंगा। धर्मवीर जी से कहूंगा कि वो एक बार फिर आपसे नारे लगवाए।
सारा कार्यकर्ता साथी जो दोनों हाथ खड़ा करे जन बहुत धन्यवाद। अब तो लगे कि किन की मन में है था रहे। आदर और सम्मान के योग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के जिला के अध्यक्ष सरदार कश्मीर सिंह करीवाला जी, कार्यकारी अध्यक्ष भाई धर्मवीर नैन जी, मरु प्रदेश के राजस्थान के संयोजक जयवीर गोदारा जी, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के सचिव लीलू राम आशा खेड़ा जी, चौधरी विजय सिंह खोड़ जी, मोहनलाल जी जोड़ जी, हल्का एलनाबाद के पार्टी के अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह खोड़ जी, शहरी अध्यक्ष डॉक्टर विनोद गोदारा जी, मंच पे मेरे साथ में बैठे हुए बहुत ही वरिष्ठ पार्टी के नेता चाननमल गिगोराणी जी, सुनील कानसरिया जी, सुशील कानसरिया जी, प्रहलाद कनोई जी, पूर्व में रहे चेयरमैन काशीराम पंवार जी, श्री मोहनलाल कामरा जी, पूर्व में रहे चेयरमैन निंदी जी, चतुर्भुज मणिवाला जी, जय सिंह गोदारा जी, हंसराज कंबोज जी, विशंबर शर्मा जी, मंच पे बैठे हुए बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश जिला हल्का स्तर के सभी नेतागण, आज के इस नामांकन पत्र की सभा में आए हुए इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र के आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सम्मान के योग्य माताओं बहनों, पत्रकार छायाकार साथियों, मेरे से पहले जो साथी वक्ता बोलने वाले थे उन्होंने आपके बीच में खुल करके इस बात की चर्चा करी कि 5 अक्टूबर को हरियाणा की विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। 5 तारीख के चुनाव में प्रदेश की जनता ने एक फैसला कर रखा है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना है। साथियों, मैंने पिछले साल 24 फरवरी से एक यात्रा शुरू करी थी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने प्रदेश के किस किस्म के हालात हैं, भाजपा की सरकार बनने के बाद प्रदेश के लोगों के किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा, क्या वायदे भाजपा ने आपके साथ किए, कौन कौन सा पूरा हुआ,
लोग किस तरह का जीवन यापन आज कर रहे हैं, इसके लिए चौटाला साहब ने मेरी एक ड्यूटी लगाई थी कि मैं हरियाणा प्रदेश की 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र में जाऊं और प्रदेश के लोगों से मिलकर के सारी जानकारी हासिल करूं। 24 फरवरी से लेकर के 11 सितंबर तक 6 महीने 11 दिन मैंने लगातार पैदल चलकर के 4200 किलोमीटर का सफर तय किया था। 2000 से ज्यादा गांव, शहर और कस्बों में गया था। और साथियों, किस तरह के हालात प्रदेश के, इस बात की जानकारी ली थी। मैंने जब लोगों से मिल रहा था, पूछ रहा था कि भाजपा जजपा की 5 साल की जो सरकार है, इस सरकार ने कौन सा ऐसा काम किया जिससे आपको कोई सुविधा मिली हो। लोग दुखी थे, परेशान थे, हर वर्ग के लोग अपनी अपनी बात कर रहे थे। जब मैं बुजुर्गों के बीच में बैठ करके उनसे चर्चा करता था तो एक ही बात कहते थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो सम्मान चौधरी देवीलाल ने हमें दिया था, जो पेंशन हमारी चौधरी देवीलाल ने बढ़ाई थी, इस भारतीय जनता पार्टी ने वो पेंशन हमारी 1,80,000 रुपए की इनकम के नाम के ऊपर काटने का काम किया। मैंने पूरे हरियाणा की जानकारी जब ली तो आपको सुनकर के हैरानी होगी, 6 लाख से ज्यादा बुजुर्गों की पेंशन इस सरकार ने काटी। जब मैं माताओं और बहनों से बैठ करके बात कर रहा था तो मुझे बताया गया, महंगाई बढ़ गई, मोदी कहता था गैस का सिलेंडर मुफ्त, मोदी जी ने कहा था महिलाओं को चूल्हे से छुटकारा दिला दूंगा, गैस का कनेक्शन घर घर पहुंचा दूंगा, लेकिन माताएं बहनें कह रही थी महंगाई बढ़ने की वजह से हमारे सामने बड़ी दिक्कत है, हम परेशान हैं। नौजवान से जब मिला, नौजवान कह रहा था बेरोजगारी बढ़ गई, रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है। छोटे छोटे बच्चों से मिला तो बच्चों ने कहा स्कूलों के ताले लग गए, किसी हॉस्पिटल में गया तो डॉक्टर नहीं था, स्कूल में गए तो मास्टर नहीं था। लोग बिजली के बिलों से परेशान थे, गरीब आदमी जिसका पीला कार्ड था, इस सरकार ने 9 लाख के पीले कार्ड काट करके उसको दुखी किया। लोग कह रहे थे विधानसभा का चुनाव आएगा, हम इनको सत्ता से बाहर करेंगे। आज जहां भाजपा को सत्ता से बाहर करना चाहते हैं, वहीं साथियों कांग्रेसियों की दाल जूतियों में बट रही है। आज पूरे प्रदेश में घमासान मचा हुआ है, जगह जगह कांग्रेस के लोग कांग्रेस के टिकट लेने वाले उम्मीदवारों का विरोध कर रहे हैं। आज अगर किसी पे भरोसा और विश्वास है तो केवल और केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के नेताओं पे भरोसा करते हैं। इलाहाबाद के लोगों ने सदैव मुझे आशीर्वाद देने का काम किया। ऐसे वक्त में आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया था, आप लोगों ने मुझे विधानसभा में पहुंचाया था, मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया था। जब मैंने पहला चुनाव आपके यहां से लड़ा था, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री था, चौटाला साहब ने 2 विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ा, इलाहाबाद और उचाणा से चुनाव लड़ा। जब उचाणा से जीत गए, आप लोगों से बात करके उन्होंने इसे विधानसभा क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया था। आपने चौटाला साहब के सामने प्रस्ताव रख दिया था कि आप तब हमारे यहां से इस्तीफा दोगे जब आप अपनी जगह अवैध सिंह को चुनाव मैदान में उतारोगे।
मैंने वो जब चुनाव लड़ा था, नई नई सरकार हुड्डा की बनी थी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इलाहाबाद के लोगों के साथ अनेकों वायदे किए थे, हर गांव के अंदर मंत्री एमएलए बिठा दिए थे, तरह तरह के लालच लोभन प्रलोभन देकर के कहीं आपसे वोट हासिल करना चाहते थे। लेकिन आप लोगों ने कांग्रेस के बहकाव में आने की बजाय मुझे अपना बेटा और भाई मान करके आशीर्वाद दे करके विधानसभा में चुन करके भेजने का काम किया था। और इस बीच एक बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको। नामांकन के बाद अभय चौटाला ने जनसभा की और इस दौरान अपने विरोधियों पर जमकर बरसे। बीजेपी पर खासतौर पर निशाना साधा उन्होंने और कहा कि बीजेपी ने प्रदेश का विकास नहीं किया, हम सत्ता में आए तो प्रदेश में भरपूर विकास करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने भारी जन समर्थन के साथ नामांकन किया है। ये जनसभा को संबोधित करते हुए तमाम बातें अभय चौटाला ने कही। इस दौरान अपने विरोधियों पर खूब निशाना साधा उन्होंने, बीजेपी को लेकर खूब नाराजगी का इजहार किया।